नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून में। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आर्थिक तंगी का दावा करने वाली कांग्रेस ने आगामी चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा जुटाने का अभियान शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में 19 दिसंबर से चंदा अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि इस अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से 138 रुपए से लेकर 13,800 रुपए चंदे के तौर पर मांगे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी 138 साल पुरानी पार्टी है। 19 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी प्रदेश में अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस के अभियान पर भाजपा ने पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस के अभियान पर तंज कसा। साथ ही कहा कांग्रेस ने उद्योगपति और व्यापारियों को डरा धमका कर उगाही की है। 138वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 138 रुपये से लेकर 13,800 रुपया कार्यकर्ताओं से पार्टी फंड में योगदान करने का अनुरोध किया गया है। हमको भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पत्र प्राप्त हुआ है। अपने विभिन्न वर्ग के कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित कर जिस कार्यकर्ता की जितनी सामर्थ्य होगी 138 रुपये से लेकर 13,800 तक का जो योगदान करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने हमको कहा है, अधिक से अधिक धनराशि हम यहाँ से एकत्र करके केंद्रीय कोष में जमा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों में देश के उद्योगपतियों को नहीं छोड़ा, देश के व्यापारियों को नहीं छोड़ा और लगातार वो उनसे डरा धमका के उगाही करती रहती थी। आज फिर जो है उनसे जो है चंदे के नाम पर उगाही करने का उसने निर्णय लिया है, तो उनको मुबारक हो। उनको अपनी पार्टी चलानी है। अब राज्यों से लगभग उनका सफाया हो रहा है। अब राज्य उनके पास रहने गए हैं पार्टी चलाने के लिए। उनको अब जनता के चंदे की आवश्यकता पड़ रही है, तो उनको मुबारक हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो देखिए, वाह, देश भर में जो अभियान चलाया जा रहा है उससे डोनेट फॉर देश की बात एक अभियान के तौर पर कांग्रेस ने शुरू किया है, जिसमें अब कांग्रेस जो है चंदा इकट्ठा कर रही है और इसी पर बीजेपी ने तंज भी कसा। और इसे समझ लेते हैं, सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं और भी बताएंगे कि किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है इस पूरे मामले को लेकर। सोनू, देखिए पारुल, ये कांग्रेस ने प्लान किया है और केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं से चंदे की बात कही है, दान देने की बात कही है और इस अभियान की शुरुआत अब प्रदेश स्तर पर भी की जा रही है। और ऐसे में जो पार्टी के नेताओं ने बताया है और जो जता रहे हैं कि 138 रुपए से लेकर 13,800 तक की धनराशि ली जाएगी, अगर यही धनराशि है और कार्यकर्ताओं के समर्थ के लिहाज से ली गई है तो पार्टी फंड में सभी कार्यकर्ता जो हैं इस धनराशि को जमा करेंगे अलग अलग माध्यमों से और ये केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा। लेकिन जिस लिहाज से कांग्रेस की मौजूदा स्थिति है, खासतौर से उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर आने वाले समय में कांग्रेस के तमाम कार्यक्रम आयोजित होने हैं और आने वाले समय में ही लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए अगर सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारी से ये धनराशि ली जाती है तो पार्टी के संविधान के मुताबिक और पार्टी की रीति नीति के हिसाब से हो सकता है। लेकिन अगर जो बताया और जताया जा रहा है उस पर अगर हम गौर करें और व्यापारी और उद्योगपतियों से भी अगर ये चंदे के रूप में सहयोग लिया जाता है तो फिर इस पर सियासत होगी और निश्चित तौर पर जो राज्य की सत्ताधारी पार्टी है, पार्टी के बीजेपी के नेता जो है वो कांग्रेस की इस रणनीति पर, इस अभियान पर तंज कस रहे हैं और इतिहास पर भी गौर करने का जो है वो इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जब ये अभियान पूरी तरह से कल से शुरू होगा तो निश्चित तौर पर संगठन की जो रीति है, नीति है, उसके मुताबिक क्या सिर्फ और सिर्फ ये पार्टी कार्यकर्ताओं तक ही अभियान सीमित रहेगा या आम जनमानस को भी इसमें शामिल किया जाएगा, उसके बाद इसकी वास्तविक तस्वीर सबके सामने आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू।